चलती हैं और अच्छी गार्डन पार्क सब आपके आगे। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, और आप देख सकते हैं कि कोई भी मौसम में कमी नहीं है। मौसम बड़ा ही एक क्लास, बड़ा ही साफ सुंदर मौसम, और इस मौसम मैंने आज सबको बता दिया है कि आज कोई भी इतना ठंडा दिन नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ठंड नहीं है, मौसम साफ़ सुथरा है, क्लैरिटी है, लोग काम कर रहे हैं, प्लाटों में काम हो रहा है, नए प्रोजेक्ट चालू हैं, नए प्रोजेक्टों पर भी काम किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है। मैं चारों ओर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जलंधर पंजाब से कुलदीप कुमार भक्ति गीत। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मौसम बेहद, और लोगों की खेती बाड़ी फसलें कितनी शानदार हैं, पेड़, और आप देख सकते हैं सरसों का साग, आप देख सकते हैं सरसों का साग कितनी बड़ी शिद्दत के साथ लोगों ने लगाया हुआ है, और इसे कहते हैं पंजाब का साग, और मेरा पंजाब हरा भरा पंजाब। आप देख सकते हो कोई भी कमी किसी किस्म की भी यहाँ आपको महसूस नहीं हो रही होगी। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आप अपने वहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी बता सकते हैं कि आपके वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का मौसम कैसे है। आज 25 दिसंबर, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा ठंडा दिन माना गया है, लेकिन क्या वो है कि आज ठंड है? मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ ठंड नहीं है तो आपके अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग तहसील में क्या और कैसा मौसम होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं ये हमारे जलंधर पंजाब का तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल और मौसम बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा है। आप देख रहे हो खेतों में भी कोई आपको धुंध वगैरह नज़र नहीं आती है, साफ़ सुथरा है। आज का मौसम वाकई ही बेहद साफ़ सुथरा है, और मेरे सामने जो बिल्डिंग वगैरह चल रही हैं, वीडियो मैं आपको उस चीज़ की दिखा रहा हूँ। आप देखो लोग फसलें काट रहे हैं, साग वगैरह लगा रहे हैं, और वो देखो गाड़ी, एक सरदार जी गाड़ी में बैठ रहे हैं। एक्चुअली वो अपने खेतों में से ही निकले हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो उन खेतों में से निकल के अब वो कहीं विजिट पर जा रहे होंगे। सामने देखो आपको नवा प्रोजेक्ट का नया एक शेड, बहुत बड़ा शेड तैयार हो गया है, और इस शेड में लगता है कि कोई बड़ा गोदाम चालू करने वाले हैं ये लोग। और सामने आपको बताऊँ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सारा काफ़ी एरिया जो इन्होंने इसको कवर किया हुआ है, तो वहाँ भी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, वहाँ भी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, फ्लैग के पीछे भी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। वो 3 मंजिला बिल्डिंग चली गई है, और वो 3 मंजिला वाली बिल्डिंग है, और नेक्स्ट ये वाली बिल्डिंग 2nd फ्लोर की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों जहाँ बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए आने वाले 1-2 साल के अंदर जहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा एक, कम से कम कल भी मैंने कहा था कि 20,000 लोगों के लिए जॉब ओपन होने वाली है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आपको हमारे जलंधर शहर के बारे में क्या कुछ लगता है, और आप क्या कुछ सोचते हैं, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो अभी गाड़ी खेत में से निकल चुकी है, और वो भी गाड़ी बड़े आराम से साइड खेत के साइड रोड बनी हुई है, इसी उससे जाएगी, और बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा ठंडा सब कुछ है। पीछे बुलेट भी स्टार्ट हो गया है, अब वो बुलेट भी निकलेगा। तो देखो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा जो चल रहा था उसके ऊपर ही बात हो रही थी, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट होता है। इसका नाम है डी एल पी एल ए। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा, एक जलंधर हाईवे पर, ये जलंधर लुधियाना हाईवे पर बन रहा है। 8 KM स्टोन का मतलब होता है वेस्ट एंड से 8 किलोमीटर लुधियाने की, और ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।